दोस्तों, आप सभी को गर्व के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात बताऊं, बचपन में जब 15 अगस्त आता था तब हमारे टीचर्स कहते थे हमें आजादी का पर्व मनाना है। दादा दादी कहते थे अरे आज तो त्योहार है। मैं उनसे पूछती थी 15 अगस्त कोई होली दिवाली थोड़ी ही है कि हम उसे मनाते हैं, ये तो छुट्टी होती है दादी। तब दादी कहती बेटा अगर ये आजादी का त्योहार न होता तो हम शायद ये होली दिवाली भी न मना पाते। जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। तुम लोग छुट्टी मनाओ, हम तो आजादी का त्योहार मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। समझ तो मैं तब भी गई थी लेकिन महसूस तब किया जब पहली बार एक वायरस ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। जान बचाने के लिए महीनों के लॉकडाउन में रहना, मन करता था कि एक दिन लॉकडाउन खुल जाए, बाहर जाकर आजाद घूम लूं, खुल कर जी लूं। दिस इज व्हाट दादी मेंट। जैसे लाखों लोगों ने उस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही आज लाखों लोग सेवा की सुरक्षा की ये पहचान बने हैं। सच पूछिए भारत की यही शान बने हैं। हो डॉक्टर, हो नर्स या पुलिस हो हमारी, कोरोना काल में यही भगवान बने हैं। आइए देखते हैं इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का जज्बा। ये -40 डिग्री में हड्डियां गलाते हैं, ये 49 डिग्री में खून और पसीना बहाते हैं, ये मास्क तो चढ़ाते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छुपाते हैं। ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जिनके हाथों में पैरों में छाले हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। जीवन मृत्यु की जंग में ये यमराज से भी भिड़ने वाले हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। ये सुई की धार को शस्त्र में बदलने वाले हैं, ये नन्ही सी बूंदों को अस्त्र में बदलने वाले हैं, ये अपने स्टीयरिंग से आफतों का रुख मोड़ने वाले हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। ये प्राण वायु पहुंचाते हैं, ये बिछड़ों को घर पहुंचाते हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। लॉकडाउन कहां रोक पाता है एक बीज को फसल बनने से, ये वसुधा से विश्व की शुद्धा मिटाने वाले हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। वायरस को गेंद बनाकर खेलते हैं, उसे तोड़ते रहें, जोड़ते रहें, मोड़ते रहें, ये विषाणु के विश्व में गोता लगाकर मोती लाने वाले हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन वाले हैं। जय हिंद।